आप सभी को जय श्री राम। मैं हूं आपका नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बाबा की खरी खोटी। और मेरे साथ है बाबा रामदासी। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। मीरापुर विधानसभा से निकल गए हैं और हम लोग अब आगे अपने तेजी से हम कुंदरकी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुरादाबाद आने वाला है। मीरापुर में हमने कई लोकल लोगों से, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान थे, लोगों से बात करने की कोशिश की। मुसलमानों में एक प्रॉब्लम मुझे दिखी बाबा जी, आपने भी ध्यान दिया होगा, कैमरे पे एकदम बात नहीं करना चाहते हैं। हाँ, आप जो कैमरा हटा बोला चलो अब बातें कर लो तो बात कर लेंगे। 100 में से 2-4 मुसलमान बस कैमरे पे आराम से बात करते हैं, नहीं तो उनके अंदर मुझे लग रहा है कि योगी जी का डर व्याप्त हो गया है कि बुलडोजर चल जाएगा या कुछ भी गलत बोलेंगे तो उस पर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मुझे ये चीज़ें मुस्लिम बहुल इलाकों में बहुत ज़्यादा दिखी और उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही व्याप्त हुई। आपको याद है वो लड़के की वीडियो थी कि तुम मेरे मुँह में जो माइक डाल के बुलवा रही हो, मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा योगी जी के बारे में, फिर हमारा भट्टा बजेगा और तुम मजे लोगे। तो ये चीज़ आज मुझे लिटरली दिखी। ये सच में डरते हैं भैया कि ये पत्रकार है, ये कुछ बुलवा लेंगे फिर हमारा भट्टा बजेगा, ये मजे लेंगे। लेकिन बाबा जी आपने एक चीज ध्यान दी, जयंत चौधरी जी कितने ज्यादा एक्टिव हैं। हाँ, पूरा रालोद का कैडर और पूरा भाजपा का कैडर, रालोद और ज्यादातर स्पेशली जयंत चौधरी जी के लिए ये एकदम मतलब मरण मारण का सवाल है। मतलब अगर ये चुनाव वो हारते हैं तो अपनी साख खो देंगे, ऐसा सोचकर वो चुनाव में उतरे हुए हैं। दूसरी तरफ हैं हमारे चंद्रशेखर रावण जी। चंद्रशेखर के बारे में लोकल लोगों से बात करके, हम एक चंद्रशेखर जी की जाटो बिरादरी के एक गांव में गए थे, गांव का नाम था पुट्ठी। वहां पुट्ठी से पहले जो गांव था वो भी जाटों का, जमालपुर या कोई ऐसा नहीं, नहीं उस गांव का नाम भूल गए हम। तो पुट्ठी में तो भाई जाटो समाज का साफ साफ ये कहना था कि ना जी ना, हम तो यहाँ चंद्रशेखर भाई के साथ हैं। मतलब मायावती ने अपनी साख खो दी है अपनी बिरादरी में। SC बिरादरी में मायावती जी अपनी साख खो चुकी हैं और जाटवों में चंद्रशेखर की बड़ी अच्छी सेंध है। सेंध है। चंद्रशेखर की पार्टी से लड़ रहे हैं जाहिद हसन, बिरादरी से हैं झोझा तुर्क, और समाजवादी पार्टी से हैं कादिर राणा की बहू सिंबुल राणा, जो बिरादरी से हैं राव रांगड़ राणा। हाँ। अब हमें तो एक, हमने पिछली वीडियो आपके साथ शेयर भी की है, उसमें एक पूर्व प्रधान जी हैं किसी गांव के मुसलमान हैं, उनका तो ये कहना है जी हमारी जो तुर्क बिरादरी है, झोझा बिरादरी है। हाँ। उसका 60,000 वोट है और इन राव रांगड़ों या राणा मतलब कादिर राणा इनकी बिरादरी का 12,000 वोट है। पर काफ़ी सारे मुसलमानों से भी बात हुई तो उनका तो सीधा है कि ना जी ना, हम तो सिर्फ और सिर्फ देखेंगे, अंसारी थे वो लोग, हम तो सिर्फ और सिर्फ देखेंगे अखिलेश भाई को और साइकिल को। वैसे आपको एक बात बताऊं, इस पूरी महाराष्ट्र यात्रा और यूपी की आज की यात्रा से मुझे एक चीज़ पता चली है कि इस वक्त मुसलमानों के दो ही नेता बचे हैं पूरे देश में, एक हमारे अखिलेश यादव जी, दूसरे उद्धव बाला साहब ठाकरे। मतलब एकदम हाथों हाथ इनको मुसलमानों ने अपने सिर पर बैठाया है और अपने सिर का ताज बनाया है। जो कहते हैं ना, वो आँखों का सितारा, एकदम अपनी आँखों का सितारा बना लिए हैं। मुसलमान वोट बहुत बुरी तरह बटने जा रहा है, क्योंकि जो झोझा बिरादरी है मीरापुर में, जो झोझा बिरादरी है, अगर वो जाहिद हसन अपनी बिरादरी के साथ चली गई तो आप ये जान लीजिए कि सपा एक बहुत बुरी शिकस्त की तरफ बढ़ रही है। और हिंदू वोट, अब हिंदू वोट में मैं किस हिंदू वोट की बात कर रहा हूँ, मैं अखिलेशियन हिंदू की बात नहीं कर रहा, मैं मुलायमियन हिंदू की बात नहीं कर रहा, या मैं चंद्रशेखरन या मायावतीयन हिंदू की बात ही नहीं कर रहा, मैं राष्ट्रवादी सनातनी हिंदू की बात कर रहा हूँ। वो एक मत एकजुट होकर भाजपा को वोट करेगा और मिथिलेश पाल जी को एक बहुत अच्छी वोटों की विजय दिलाएगा। जी बाबा जी, आप कुछ बताएं। अब देखिए जी, एक चीज इस यूपी की चुनावी यात्रा में और समझ में आ रही है कि बाबा जी ने पूरा जोर लगा रखा जी। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात बताऊं आपको मैं, वोट बेशक न दें पर कुछ मुसलमान योगी जी की तारीफ करते हुए भी दिखाई दिए। अब वो हमारा मन रखने के लिए कर रहे थे या क्या था, हम ये नहीं कह रहे कि वो हमें वोट दे देंगे, पर योगी जी से मुसलमान भी इम्प्रेस्ड था। और जहां तक बात है मुसलमानों के बंटने की, तो मीरापुर में तो बंटवारा दिख ही रहा था जी।
जाहिद हुसैन अपनी बिरादरी जोजा बिरादरी का वोट, अब ये तो जी 23 तारीख को पता चलेगा कितना वोट कटा कितना बचा क्या हुआ, पर डिवीजन दिख रहा था। कुल मिला के इस चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, चुनाव प्रचार भी इलाके में पूरे इलाके में दिखाई दिया, पूरा पूरा पीक दिख रहा था और चुनाव का एकदम मतलब पूरा माहौल बना हुआ था, हिंदू एकजुटता भी दिखाई दी। हमने कई लोगों से ये पूछा, स्पेशली हिंदुओं से पूछा कि बटोगे तो कटोगे इस नारे का क्या असर है, तो बोला जी यही नारा हिंदुओं में सिर्फ एक ही फैक्टर चल रहा है, एक ही नारा चल रहा है, बटोगे तो कटोगे, और मुसलमान बुरी तरह बट रहा है। मीरापुर में तो मुसलमान बट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर झोझा बिरादरी चंद्रशेखर रावण के जो कैंडिडेट हैं, जो कि खुद एक तुर्क हैं झोझा है, उनके साथ चली गई, तो आप ये जान लीजिए कि सिंपल राणा या सिंबुल राणा जो भी है बहुत बुरी तरह हारेंगी, मतलब अखिलेश यादव का मुंह छुपाना मतलब मुश्किल हो जाएगा जी। अच्छा, इस हिसाब से मीरापुर तो बीजेपी जीत रही है जी, कुंदरकी में भी अभी तो हालांकि जाके पता लेगा, पर मुझे अभी तक जो रिपोर्टें मिली हैं कुंदरकी में भी मुस्लिम वोट बट रहा है। नहीं, सबसे बड़ी बात पता है क्या, मैं इन सीटों पर देख रहा हूँ, जहाँ जिन सीटों पर थोड़े से मुस्लिम्स हैं वहाँ बीजेपी को छोड़ के बाकी सारी पार्टियाँ हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्पेशली सारी पार्टियाँ दबा के मुसलमानों को टिकट दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमान वोट तो बटेगा, ये तो तय है कि मुसलमान वोट बटना तय है। और इसके अलावा एक और मुस्लिम बहुल सीट है शीशामऊ जी, जहाँ इरफान सोलंकी की शायद पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, वो सीट भी अखिलेश की फंसी हुई है, वो अखिलेश के खाते की सीट है जी। तो इस हिसाब से तो अगर इस 9 सीट के चुनाव में जी मुझे तो 6-3 होता हुआ दिख रहा है। मुझे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मुझे लग रहा है कि अब अखिलेश भैया को अब समाजवादी पार्टी का नाम बदल के मुस्लिमवादी पार्टी कर देना चाहिए। जिस स्तर पे जाके वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद मुझे लग रहा है कि यादव बिरादरी भी मतलब उनको लात मार देगी, मतलब एकदम मुस्लिमों के सामने उद्धव ठाकरे से ज़्यादा लिटे जा रहे हैं। अच्छा नहीं, एक चीज़ आप, जब हम भी मीरापुर में हम कई गांव में घूम रहे थे जब, तो हमने पूछा, हमने कई लोगों से पूछा कि तुम ये बताओ तुम क्या हो, झोझा हो या वो अपने रांगड़ या क्या बिरादरी है तुम्हारी, तो 2-3 बोले जी हमारी कोई बिरादरी, हमारी तो साइकिल बिरादरी है। ये मानना पड़ेगा, मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे और अखिलेश, उन्होंने कहा हमारी कोई बिरादरी नहीं, हमारी तो साइकिल बिरादरी है। अरे आज ये दोनों चश्मे चिरा गए भाई मुसलमान समाज के। तो मैंने कहा वाह यार, बड़ी बड़ी निष्ठा है, और मुसलमानों में तो वाकई अखिलेश के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, वो एकदम सही बात है। अच्छा, तीसरी एक चीज, चंद्रशेखर लड़ाई में दिखाई दिए परंतु मायावती बिल्कुल कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, ये मायावती के लिए पोस्टर बैनर भी नहीं दिखा। पोस्टर बैनर भी नहीं दिखा उनका भाई, उस एरिया से हम 35-40 किलोमीटर उस पूरे अरे लगभग 2.25 घंटे हम मीरापुर में रहे, मीरापुर इलाके में हल्के में एक पोस्टर बैनर नहीं था। तो बहन जी के हाथ से फिसल रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जाटा वोट फिसल रहा है बहन जी के लिए, ये एक अलार्म बेल होनी चाहिए। तो जी अभी हम हैं मुरादाबाद रोड पे और लगभग आधे घंटे में हम मुरादाबाद पहुंच जाएंगे तब, और आज शाम तक, अब शाम हो जाएगी, शाम को तो कुंदरकी जाने का कोई मतलब मुझे लग नहीं रहा है, और आई थिंक कल सुबह सुबह हम कुंदरकी जो है, कल सारा का सारा दिन हम कुंदरकी में लगाएंगे, चुनाव प्रचार आज समाप्त हो रहा है जी, तो कल जो है रेस्ट का डे है, और कल हम जो है पूरे इलाके में घूमेंगे, कुछ हिंदू भाइयों से वहाँ जो है बातचीत चल रही है, तो उनके साथ हम मिलके कुछ सभाएं छोटी मीटिंग्स करेंगे। तो अभी जो है हम मुरादाबाद पहुँचने वाले हैं, अगली वीडियो में आपको हम कुंदरकी का हाल बताएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं जी।
थैंक यू वेरी मच।